दोस्तों नमस्कार, आप सुने हुए संदीप शर्मा के साथ और आप देख रहे हैं टेक्नो विद फ्रेंड्स एफएम। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक और रेडियो, रेडियो की श्रृंखला में नया अवतार फिलिप्स का 38494, यानी कि चैंपियन रेडियो का नया अवतार फिलिप्स का ये रेडियो है। बड़ा ही शानदार, इसमें पूरी जानकारी दें, पोर्टेबल रेडियो है, एफएम, एएम और शॉर्टवेव, शॉर्टवेव टू, चार बैंड का ये शानदार रेडियो और अच्छी क्वालिटी, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारी रेंज मिल जाती है स्टेशंस की। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर डीएसपी चिप आपको मिल जाएगी। इसको खोल कर दिखा देते हैं। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ इसके साथ एक्सेसरी आती नहीं है। ये इसका मीटर स्केल है, जिससे आप ट्यूनिंग जो है देख सकेंगे। ये नीचे दो बटन दिए गए हैं, राइट की तरफ जो बटन दिया गया है वो है ट्यूनिंग स्केल, जिससे आप चेंज करेंगे चैनल, और ये वाला है ऑन ऑफ बटन, और यही वॉल्यूम बढ़ाएगा। 4 इंच का स्पीकर दे रखा है इन्होंने, और पीछे की तरफ अगर देखें तो यहाँ पर देखो बैंड सेलेक्टर दे रखा है, ये रहा बैंड सेलेक्टर है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और इधर ये चार्जिंग पोर्ट है, मतलब अडेप्टर से चला सकते, चार्ज नहीं होगा, ठीक है। और इधर यहाँ पर बैटरी कंपार्टमेंट है, इसमें 3 सेल लगेंगे बड़े वाले, जो रेडियो में पहले लगा करते थे और आजकल गीज़र में लगते हैं, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं। और अच्छा रेडियो है, क्वालिटी बहुत शानदार है, आवाज़ बड़ी अच्छी आ रही है, मैंने चेक किया। लेकिन बेस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर डीएसपी चिप है, इसलिए बेस नहीं मिलेगा, सिलिकन लैब की। तो देख लेते हैं कैसा क्या है। हाँ, एंटीना बहुत 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 बड़ा एंटीना, बहुत बड़ा एंटीना, शानदार एंटीना है और अच्छी क्वालिटी है। और यहाँ पर देखिए फिनिशिंग भी अच्छी है, और सिल्वर कलर में आपको ये रेडियो मिलता है। चलिए कुछ देखते हैं। चार, हर रिश्ते का रखे ख्याल, ये है एफएम फेस्टिवल्स में स्वैग पड़े। शानदार क्वालिटी, ये है इसका एफएम बैंड। और मीडियम वेव भी ऐसी बात नहीं, अच्छा है, बहुत शानदार अच्छा क्वालिटी है। सॉरी, मीडियम वेव की क्वालिटी को आप इस तरह समझ सकते हैं कि डिस्टॉर्शन नहीं है बिल्कुल भी। अगर इसकी आवाज़ को अगर आप तेज़ भी करोगे तो आवाज़ फटेगी नहीं। देखो सुई कितनी रेड कलर की शानदार दिख रही है। दृष्टिहीन भाई बंधुओं को बता दूँ, इसके वॉल्यूम जो है नीचे है दोनों, और जो डायलिंग स्केल जो इसका है, स्केल ऊपर वाला, ये आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा। काफ़ी लंबी रेंज है यहाँ पर, 90 मीटर से लेकर देख लो आप, सारे हैं 16, 13, 16, 31 मीटर बैंड, 49 मीटर, मतलब पूरी फुल रेंज है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यहाँ नीचे देख रहे हो, देखो आप स्टेशन्स के लिए अच्छे से नीचे से भी बताया हुआ कि आपका कौन सी जगह, किधर की जगह आपका स्टेशन लगा सकते हैं। आसानी से आप देख सकते हैं, मीटर बैंड के नंबर सब कुछ दिए गए हैं, बड़ा स्केल शानदार है। ये बहुत अच्छी चीज़ लगी इस 384 की। और रेडियो का मैं बहुत पुराना शौकीन हूँ, और मेरे पास एक रेडियो और भी है, उसको भी आपको आज ही दिखाएंगे, कोशिश करेंगे, आपको कल सुबह के वीडियो मिल जाएगा वो रेडियो त्रिशूल। उसमें खासियत है कि उसमें आपको रिचार्जेबल बैटरी मिल जाती है, इसमें आपको रिचार्जेबल बैटरी नहीं मिलती। लेकिन रिसेप्शन वाकई में लाजवाब है, रिसेप्शन के विषय में आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, रिसेप्शन इसका लाजवाब है, और बिल्ट क्वालिटी भी अच्छी है ना। अब हम मीडियम वेव की बात कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि ये मीडियम वेव, ठीक है ना, ये मीडियम वेव है और शानदार क्वालिटी। देखिए बिल्कुल भी कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं, ये जो चर चर की आवाज़ आ रही है पीछे से, उनके मीटर की प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉब्लम, इस रेडियो की प्रॉब्लम नहीं है। प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद
ठीक है, ये सुन रहे हैं आप जोधपुर सब, मतलब अच्छी क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी के लिए कोई भी इसमें शिकायत की बात नहीं है। अब आपको शॉर्टवेव दिखाते हैं। मैंने अभी तक एंटीना नहीं निकाला है, नोटिस कीजिएगा। ये शॉर्टवेव की क्वालिटी है, चेंज करते हैं बैंड। वैसे बैंड को चेंज करो तो आपको पहले, सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है इसमें, इसका ये थोड़ा गिर रहा है नीचे मोबाइल, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, बट यहाँ रख लेते, कोई नहीं। देखो आप रेंज ऐसे कर दो इसको, थोड़ा सा आपको ठीक से दिखे, यहाँ रखते हैं इसको, तभी आप अब देखिए एंटीना नहीं निकाला है मैंने, और अभी सुबह सुबह का समय है थोड़ा। ये देखिए एंटीना कितना बड़ा है इसका, अभी और भी है, बहुत बड़ा एंटीना, इतना बड़ा एंटीना भाई साहब। अब देखते हैं एंटीना निकाल, अब देखिए क्वालिटी, अब पता लगेगा आपको, मतलब जितना एंटीना आप निकालोगे ना, वैसे झूठ नहीं पड़ती शॉर्ट वेव। अभी आप I made up my mind that being too polite did not all. What the hell? No, नकल मकानी बंद होनी चाहिए, शहरी जहाँ है वहाँ उन्हें तहफ़ फ्राहम किया जाना चाहिए और इंसानी इमदाद बिला रोक टोक फ्राहम की जानी चाहिए। जनूबी कोरिया के वज़ारत दिफा ने एक और देखा था, चेंज करता हूँ थोड़ा, ज़्यादातर 90 मीटर के आसपास के रेडियो पकड़ते नहीं है, बाकी नॉर्मल रेडियो ये पकड़ेगा। लेकिन देखिए दिखाता हूँ आपको, इनको स्टेशन ये देखिए, यहाँ भी आपको स्टेशन मिल रहा है, तो रेंज में कोई कमी नहीं है। साबिक रूसी वजीर खारजा सर्गे लारोव ने चंद रोज कबल मीडिया को दिए गए एक तो इधर क्वालिटी में कहीं कोई कमी नहीं है। अगर आप एक रेडियो अच्छा सा चाहते हैं तो फिलिप्स का रेडियो खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छा रिसेप्शन मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। हाँ लेकिन एनालॉग जैसी बात तो आपको नहीं मिलेगी, वैसी बेस तो नहीं मिलेगी इसमें, क्योंकि अपन जो बात है वो सही बताएंगे, बेस आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन हाँ अच्छा है, रेडियो जैसा बजता है वैसा ये बजेगा, ये बात पक्की है। रेडियो की जैसी साउंड होती है वैसे इसमें साउंड है, कोई दिक्कत नहीं है। फुल रेंज है मीटर बैंड्स की, और किलोहर्ट्स मेगाहर्ट्स और 88 से आपका 108 मेगाहर्ट्स तक आपको रेंज मिलती है एफएम में भी। आप इसको देखिएगा एक बार, आपको समझ आएगी चीज़ें। ये देखिए शानदार क्वालिटी है, और बस थोड़ा डिस्टॉर्शन वो तो देखो शहरों में रहता ही है, हमारे शहर में डिस्टॉर्शन रहता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी बिल्कुल टर्टर की आवाज़ बहुत कम आ रही है ना। तो आपको कई रेडियो हम देखते हो बहुत आती है, इसमें नहीं आएगी। अभी तो ये टाइम थोड़ा सुबह का है या थोड़ा वैसा है, बाकी शाम के समय में तो बड़े स्टेशन लगते हैं इसमें। मैंने चेक किया था कल इसको, पहले मैं वीडियो बनाने से पहले इसको चेक कर चुका हूँ, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको। ये नीचे बटन स्केल्स और ये स्पीकर, 4 इंच का स्पीकर है इसमें ना, और पीछे से एक बार फिर से दिखा लेते हैं आपको। ये देखिए पीछे से इस तरह का दिखता है ये, ठीक है ये देख लीजिए, ये है पूरी क्वालिटी, ठीक है। तो अच्छा रेडियो है 384 फिलिप्स का नया रेडियो। तो अब आपको त्रिशूल दिखाएंगे कल,
त्रिशूल रेडियो, और फिर कोशिश करूँगा मैं टाइगर रेडियो जो नया आया वो भी आपको दिखा देंगे ना। तो अपने चैनल पे जो रेडियो के वीडियो है उनमें इजाफा हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो आशा है वीडियो पसंद आई होगी, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आपका धन्यवाद।